जिहड़ा प्रेम आ ना जिहनूं आपां प्यार भी कहिंदे आ इहनूं तिन्न भागां दे विच वंडिया गया है। एक ते आपां अपने तो छोटियां दे नाल करदे आ, जदों मनुख अपने तो छोटे नाल करदा है उहनूं स्नेह कहा जांदा है, ते दूजा जिहड़ा वाहिगुरु जी नाल कीता जांदा है, जिन्हें सानू पैदा किया है, सानू बनाया है, सानू साजे है, सवारे है, जेड़ा उस वाहिगुरु जी दे नाल प्यार करदा है उनू प्रेम कहिंदे ने। छोटिया नाल कीता उनू स्नेह कहा जांदा है, रब जी नाल कीता जावे उनू प्रेम कहा जांदा है, ते रब जी दीआं दित्तीआं दातां नाल कीता जावे, पदार्थां नाल कीता जावे, कल्ले पदार्थां नाल जिहड़े जुड़दे आ ना उहनूं मोह कहा जांदा है। मोह दे चक्कर विचों पै जांदे ने, मोह प्रेम दा ही बिगड़िया रूप है। ते अज आपां उहनां दी याद विच जुड़ करके बैठे हाँ जिन्हां ने वाहिगुरु जी नाल प्रेम कीता है, ते इस प्रेम नूं इस प्रीत नूं सब तों उत्तम मन्निया जांदा है। इत्थे इक प्रेम ही ऐसा जरिया है जिदे नाल मालक जी दे नेड़े होया जा सकता है। ताई ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी समझाउंदे ने, रे मन राम स्यों कर प्रीत। तू सोहणे राम दे नाल जिहड़ा रमिया होया प्यार करिया कर। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ते जिन्हां नूं रब जी नाल प्यार हुंदा ना, प्रेम हुंदा, उह फिर रब जी दी बनाई मनुखता नाल भी प्रेम करदे ने, प्यार निभाउंदे ने। उह नफरत दीआं नज़रां नाल नहीं वेखदे, उह जिद्धर भी वेखदे ने उहनां नूं नज़र आउंदा सभै घट राम बोलै, रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। सारियां विच ही उह राम बसिया होया है। इत्थे भी बेनती करां जिहड़ा राम शब्द आ ना, इह मालक जी दे लई वरतिया जा रहा है, परमात्मा जी दे लई। किते भलेखा ना पै जावे जिथे दशरथ जी दे पुत्तर दी गल आ ना, रामचंद्र जी दी, उत्थे आपां नूं सहज ही पता लग जांदा वी इत्थे दशरथ जी दे पुत्तर दी गल हो रही आ। जदों गुरबाणी पढ़दे आ ना, गुरु जी समझाउंदे ने, रोवै राम निकाला पया, सीता लखमण बिछड़ गया। उत्थे दशरथ जी दे पुत्तर दी गल हो रही आ, ते इत्थे सभै घट राम बोलै, रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। इत्थे उस रमे हुए परमात्मा जी दी गल हो रही है, जिहनूं आपां रमैया भी कहिंदे आ, गुणवाचक नाम ने ना मालक जी दे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सानूं भी समझाउंदे ने, पुत अपने मन नूं कहा कर, मन नूं समझाया कर भी तू प्रीत कर उस मालक दे नाल, अपने प्यारे दे नाल प्रेम कर, ये प्रेम सब तों उत्तम है। ते इत्थे जदों प्रेम दीआं गल्लां चलदीआं ने ना, समाज वल नज़र मारीए, एक तरफा जिहड़ा प्यार हुंदा, एक तरफा जिहड़ा प्रेम आ ना, वह दुखदाई हुंदा। ते इस दरबार दे विच जदों प्रेम दी गल चलदी है, इत्थे एक तरफा प्रेम नहीं है, इत्थे एक तरफा प्यार, एक तरफी प्रीत नहीं है, दुवली प्रीत है। गुरु पिता जी बाणी च भी समझाउंदे ने, भाई गुरदास जी ने भी उदाहरणा दे के सिक्ख्या दित्ती आ। हुण जिहड़ी मच्छी हुंदी आ ना, उह पाणी नूं प्यार करदी आ, मच्छी दा पाणी नाल बड़ा ही प्यार हुंदा, मच्छियां तां आपां सारियां ने वेखियां ने, हुण किन्ना प्यार है मच्छी दा पाणी दे नाल। मच्छी नूं पाणी विच्चों बाहर कढ के वेखो, तड़फ तड़फ के प्राण त्याग दिंदी आ, इन्ना प्यार करदी आ, एक पल दा उह तों विछोड़ा सहन नहीं हुंदा, तड़फण लग जांदी आ। भगत रविदास जी तां इत्थों तक दसदे ने
कह लगे मच्छी खान वाला व्यक्ति मच्छी नू फड़ के वड़ देवे उदे टोटे टोटे कर देवे उनू अग दे उते रिन्ने जो रिन्न दै उदी फाड़ी फाड़ी कर दिंदा फिर चब के चिथ चिथ के उनू अंदर लेके जांदा मीन पकर फांक्यो और काटियो राद कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना विसरियो पानी। किंदे मच्छी इन्ना प्यार कर दिया पानी नाल बड़ी ते गई अग ते रिन्नी ते गई चब्बी ते गई पर जी दे अंदर गई जाके भी पानी मंग दिया मच्छी खान वाला व्यक्ति सारी रात पानी पानी करता रहता है। प्यार है ना मच्छी दा। हुण मच्छी पानी नू प्यार कर दिया पर पानी मच्छी नू प्यार नहीं करता। एक तरफी प्रीत दुखदाई है। हुण पानी थोड़ा कहिंदे भी मच्छीए जदों तेनू कोई फड़न आया मैं तेनू बचा लवांगा ऐसी लहर लैके आवांगा मैं पानी विच ऐसी हलचल मचा देवांगा ऐसियां लहरां पैदा कर देवांगा तू जाल दे विच फसी नहीं सकना। भावे कोई सारिया मच्छियां फड़ के लै जावे पानी नू कोई परवाह नहीं क्योंकि पानी मच्छी नू प्यार नहीं करता। पौरे की गल करिए पौरे नू फुल नाल बड़ा प्यार है पर फुल पौरे नू प्यार नहीं करता। फुल आउंदा अपने प्यार दे विच भावना दे विच फुल दे अंदर बैठ के ना पंखड़ियां ते बैठ के अंदर वाले हिस्से ते वो रस चूसदा है। जो शाम पैंदी है उन्हूं पता ही नहीं लगता प्रेम दे विच ते इधर फुल उन्हूं अपनियां पंखड़ियां विच घुट के मार दिंदा है। वो ये नहीं कहिंदा कि तू मैनूं प्यार करदे उड जा मैं तैनूं समा दे रही नहीं क्योंकि फुल दा उहदे नाल कोई प्यार नहीं एक तरफा प्यार है। पतंगे नूं अग दी लाट दे नाल बड़ा प्यार हुंदा है पर अग दी लाट नूं पतंगे नाल कोई प्यार नहीं। पतंगा भज के आउंदा जदों अग दी लाट वेखदा है ना भज के आउंदा प्यार दे विच पर अग दी लाट पतंगे नूं साड़ के राख बना दिंदी आ। हुण मारो नज़र गुरु दरबार दे वल इत्थे एक तरफा प्यार नहीं इतिहास गवाही भरदा जे गुरसिखां ने गुरु नूं प्यार करन दीआं हद्दां तोड़ियां ने ना तां गुरु जी ने भी गुरसिखां नूं प्यार करन दीआं हद्दां तोड़ दित्तीआं ने। इत्थे दवली प्रीत दवला प्यार है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरु नानक साहब महाराज जी गुरु नानक साहब जी तो लैके अज तक आपां इतिहास पढ़ के वेख लईए सतगुरु जी अपने प्यारियां नूं कितना प्यार करदे ने। साडी खातर चार उदासियां कीतियां साडे अंदर गैरत भरी जावे अणख आजादी नाल आपां जीवन ज्यों सकीए वहमां भरमां दा भार साडे मोढ़ियां उत्तों उतर जावे। गुरु नानक साहब महाराज जी तैयारी करदे ने प्रचारक दौरियां दे लई। साखीकार लिखते ने गुरु पिता जी दियां लत्तां नूं उन्हां दे पुत्तर आके चिंबड़ गए पिता जी असी नहीं तुहानूं जाण देना। सोच के वेखो अज दे समें विच किसे ने विदेश जाना होवे ना अपने घर नूं छड के जां कोई ट्रक ड्राइवर है कोई बिजनेस करदा है कोई जॉब करदा दूर जाना है नाले पता है भी वीडियो कॉल भी हो जानी आ। अगे तो इदा का कोई सहूलत भी नहीं सी होंदी चिट्ठी पत्री होया करदे सी कोई वहीकलों का भी प्रबंध नहीं सी हुंदा बिखड़े पेंडे हुंदे सी। गुरु जी चले ने पता नहीं वापसी भी कदों होनी आ। पहली उदासी ते सतगुरु जी नूं लगभग 8.25 साल का समा लग्या सी साडी खातर तुरे ने। अज दे समें च इन्नियां सहूलतां होण दे बावजूद भी जदों कोई परिवारक मैंबर तुरदा है ना अखां विच साडे अथरू आ जांदे ने नाले पता है भी सारा हाल चाल असीं फोन ते पुछ सकदे आ। पर धन गुरु नानक साहिब महाराज जी पुत लत्तां नूं चिंबड़े ने कहिंदे ने पिता जी असीं नहीं तुहानूं जाण देना जे तुसीं चले गए सानूं कौण खड़ाएगा।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੋ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੁਵੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਏ।